मेरे बेटे को जेल में डालने की। धमकी देना मत, बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो न्यूज़ ही देख लेते हैं। इसे भी तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समलैंगिकता यानी धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। जी हाँ, किसी पर उनकी चुप्पी कमजोरी मत समझना, समझी गया? कहें सौरभ, ये ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। ये देखो बेटा, सेक्शन 377 डाल दिया, ऐसे तो लोग बिगड़ जाएंगे, माहौल खराब होगा। लेकिन मम्मी इसमें गलत कह रहे हैं, लोगों तो फीलिंग्स हैं, लोगों की तो और फिर वहां पर उसने उस 377 को जो है बेटा ये देखो ना सब, उससे कहीं ना कहीं जो ये तो गलत है ना, जो भी चल रहा है लग रहा था कि आज कहीं फैसला उनके विरोध में ना आ जाए। लेकिन जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है तो वाकई ये ऐतिहासिक फैसला है और उनके पक्ष में आया है कि ये समलैंगिक अपराध नहीं है, समलैंगिकता अपराध नहीं है, इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। आज उन लोगों के लिए इसे किस तरीके का आप फैसला कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का? ये शुरुआत है, ये शुरुआत है, ये तो मोड़ है जिंदगी का, ये शुरुआत है जिसके साथ हम और भी रिफॉर्म्स लेके आएंगे और आहिस्ते आहिस्ते हम क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं मम्मी, सॉन्ग सुन रहा था। सॉन्ग्स तो तुम सुनते रहोगे, ये बताओ कॉलेज में क्या चल रहा है? हाँ सब ठीक चल रहा है। और पढ़ाई तुम्हारी? हाँ पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही है। अच्छा एक बात पूछो बेटा। जी मम्मा। वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? और तुमने मुझे कभी मिलवाया भी नहीं। मम्मी मुझे गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या तुम्हें कोई गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है? क्या बोल रहे हो? मम्मी आप ही तो कहती हो कि पढ़ाई में ध्यान लगाओ और एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं, तो मैं इन सब चक्करों में भी नहीं पढ़ना चाहता। तुम ऐसा कह रहे थे? आपको क्या लगा? मुझे कुछ नहीं लगा बेटा, बट मैं तो इसलिए कह रही थी ना कि पहले पढ़ाई जरूरी है, गर्लफ्रेंड तो बाद में भी बना सकते हो तुम, है ना? कोई नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो क्योंकि अभी तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं, और ये फोन छोड़ो, बहुत सॉन्ग सुनते हो तुम, ठीक है? पढ़ाई कर लो चुपचाप। अंदर आइए। मम्मी नहीं है? मम्मी भी मार्केट गई है, अभी थोड़ी देर में आती होंगी, आप अंदर आइए ना प्लीज। पहली बार आ रहे हो?
शायद से आप होते हो ना? हां पहले फर्स्ट टाइम आज ऑफिस से ऑफ था तो हमने कहा चलो हां यार बहुत टाइम बाद ऑफ मिला वैसे थैंक यू बेटा थैंक यू बेटा थैंक यू थैंक यू और बेटा आपकी पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है अभी? पढ़ाई अच्छी चल रही है। चलो गुड। और आगे क्या सोचा आपने? क्या अभी तो स्टडी करना है। ओके बेस्ट है गुड। और अच्छे से करो पढ़ाई ठीक है। और मम्मा कब तक आएंगी आपकी? मम्मा भी गई हैं आई थिंक आती होंगी थोड़ी देर में। ओके ठीक है हम वेट करते हैं थोड़ा। ठीक है और आप लोग चाय कॉफ़ी कुछ लेंगे? नहीं नहीं बेटा बस हम मिसेस कपूर से मिल के जाएंगे। आधा आधा कप कॉफ़ी ले लीजिए मैं कॉफ़ी काफ़ी अच्छी बनाता हूँ। कॉफ़ी चलो ठीक है आधा आधा कप ले आइए। निकलते हैं यार थोड़ी देर में ऑफिस के लिए। हाँ एक मिनट कॉफ़ी भी ले आया। हाँ हाँ बिल्कुल थैंक यू बेटा। सैम आप तो इतने अच्छे हो बेटा क्योंकि कॉफ़ी वगैरह जो भी इतनी अच्छी बनाई है तुमने। अब मेरी लड़की तो बिल्कुल भी एक ग्लास पानी भी नहीं उठा के देती है। मिसेस कपूर तो बिल्कुल निहाल हो गई है। इतनी लकी हैं तुम तो सारा काम उनका कर देते हो। उनको एक लड़की की कमी जो होती है ना वो मुझे लगता नहीं है कि उनको खलती होगी। बहुत अच्छे से रहती हैं। ये छोटे मोटे काम हैं जो कोई भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा मम्मा का हाथ बटाते हो बहुत अच्छा बात है। थोड़ी चीनी देना चीनी कम लग रही है थोड़ी कॉफी। हाँ ठीक है। हेलो मैम। हेलो हाय। हेलो तुम लोग कब आए? हम लोग बस अभी आए थोड़ी देर हुई। ओके बैठो। हां जी भाई मीठा है कॉफी सही तो है? अरे ये वो वाले मीठा है लड़का। अच्छा नहीं समझे? नहीं नहीं समझ गया। ये कहाँ लेके जा रहे हो? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा कि तुम किचन के काम छोड़ दो। वो आंटी को चीज चाहिए। आंटी को चाहिए ना बेटा तुम अपनी अपनी पढ़ाई पे फोकस करो तुम्हारा एग्जाम आ रहा है ना। मम्मी कभी तो आप कहते हो घर के काम किया करो। सैम तुमसे जितना मैं स्टडी पे भी फोकस कर रहा हूं ना। बेटा तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। तुम जाओ मैं लेके आती हूं। ठीक है मम्मी। अच्छा मोहित उस ऑर्डर का क्या हुआ? वो ऑर्डर तो अभी प्लेस नहीं हुआ। क्या अभी तक तुमने उस ऑर्डर को प्लेस नहीं करवाया? मैंने बोला था तुम्हें। ठीक है मैं आज करवा देता हूं। प्लीज आज उसे कराओ और उसे ईमेल करो फटाफट कि वो जो भी हमारा माल है वो पहुंच जाए। ठीक है प्लेस ऑर्डर करवा देना। कविता मैम ऑर्डर जो प्लेस करना है उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी तो आप चेक दे देती तो मैं पेमेंट रिलीज कर देती उन लोगों को। ठीक है मैं एक काम करती हूँ आप मुझे पेमेंट भिजवा दो और मैं चेक अक्षय के हाथ भिजवा दूंगी। ठीक है ठीक है लेकिन ये फटाफट करो काम। जी जी अच्छा मैम अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है अक्षय तुम रुको क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है इम्पोर्टेंट। ठीक है और कविता तुम छुट्टियाँ प्लीज़ कम किया करो जी। ठीक है क्योंकि तुम्हारी सैलरी कटेगी कोई फ़ायदा नहीं है और मंथ एंड है तुम जानती हो अभी काम बहुत है और तुम बहुत छुट्टियाँ करती हो। बिल्कुल ठीक है फिर चलते हैं। हाँ ठीक है चलो ओके बाय। ठीक है मम्मी फिर मैं ट्यूशन जाता हूँ। ठीक है बेटा जाओ। तुम्हारे यहाँ रोटी पे क्या लगा हुआ है? कहाँ? यहाँ पे शायद सॉस लग गई होगी। शायद लिपस्टिक है? नहीं भी मैंने सॉस खाई थी ना। अच्छा सैंडविच खाया था। और अक्षय काफी दिनों बाद तुम मिले हो। हाँ खुशी तुम बताओ। मैं ठीक हूँ तुम बताओ कैसे हो? बस ठीक। अच्छा यार मैंने सुना है तुम ऑफिस के काम से कहीं जा रही हो 3-4 दिन के लिए। हाँ जाना तो है 3-4 दिन के लिए ऑफिस के काम से बट आ जाऊंगी जल्दी। अच्छा हाँ जब तक मैं नहीं आती तुम प्लीज़ सैम का ध्यान रखना। हाँ ठीक है कोई इशू नहीं है क्योंकि वो अकेले मैनेज नहीं कर पाएगा तो आप लोगों के तो ज़्यादा उसको अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है वो मैनेज कर लूँगा। अच्छा अक्षय मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। हाँ बोलो। हमें बहुत टाइम हो गया रिलेशनशिप में तो अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। खुशी तुम जानते हो यार मैं सिर्फ 22 साल का हूँ
और इतनी जल्दी शादी। अक्षय प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं यार खुशी समझ रहा हूँ मैं, बट तुम जानते हो ऑफिस में मेरी क्या पोजीशन है अभी, और मेरे को प्रमोशन के लिए एटलीस्ट 4-5 महीने लगेंगे। अच्छा बेटा, वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं जा रही हूँ, ठीक है, तो फिर मैं निकल जाऊँगी 4 दिन के लिए और 4 दिन के बाद आऊँगी। और मैंने अक्षय अंकल को बोल दिया, वो यहाँ पर तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है, 4 दिन। कोई नहीं हुआ, ठीक है, और अपना ध्यान रखना। और सैम कैसे हो? मैं बढ़िया, तुम बताओ? बस बढ़िया। अच्छा यार मुझे तो ना तुमसे एक काम था। हाँ बोलो। लैपटॉप है तुम्हारे पास? मेरा लैपटॉप तो ख़राब पड़ा है, लेकिन अगर सही भी होता तो शायद मैं तुमको नहीं देता, क्योंकि इसमें मेरे कुछ प्राइवेट चीज़ें। अच्छा यार, तो फिर मेरे को यार कोई साइबर कैफे बता दो आसपास कुछ हो तो। हाँ एक साइबर कैफे है, लेकिन 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? चलो काम है तो जाना तो पड़ेगा ही, मैं होके आता हूँ फिर। सुनो अक्षय। हाँ? तुम मेरा लैपटॉप यूज़ कर सकते हो 5 मिनट के लिए, तुम्हें मेल करना है, सिर्फ वही करना, और मेरे लैपटॉप टच मत करना, क्योंकि इसमें कुछ प्राइवेट चीज़ें। ओके थैंक्स, एक मिनट मैं देता हूँ। ये लो अक्षय, और जो तुम्हें मेल करना है वो कर लेना, और मैं कोई पर्सनल चीज़ यूज़ मत करना। हाँ चलो ठीक है, तुम जाओ देख लो। मतलब क्या? मतलब मैं काम देख लूँ, मैं अपना काम देख लूँगा। ठीक है सैम, ये तुम्हारा लैपटॉप। थैंक यू, इट्स ओके। अच्छा वैसे एक बात पूछनी है तुमसे। हाँ बोलो। तुम्हें गे पॉर्न पसंद है क्या? नहीं तो, लेकिन तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? अच्छा नहीं, वो बस तुम्हारे लैपटॉप में इसीलिए मैं तो अपना लैपटॉप नहीं दे रहा था, क्योंकि इसमें पर्सनल चीज़ें। अच्छा अच्छा सॉरी यार, चिल करो, ऐसा मैंने कुछ देखा नहीं है। ओके सॉरी। कोई और मूवी लगाओ यार, इंटरेस्टिंग नहीं है। कौन सी देखो? कोई भी लगाओ, कोई एक्शन आ रही हो या फिर कोई भी। हाँ यार ये लगाओ। अच्छा ये सॉस ओपन कर दो। अरे यार मेरे को यार कल पहन के जानी थी ऑफिस, तो मैं वॉश कर देता हूँ। नहीं नहीं यार ओके थैंक यू, मैं कर दूँगा। नहीं नहीं मैं कर दूँगा, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं यार थैंक यू, मैं कर दूँगा, थैंक यू। वॉशरूम हो जा रही अभी तक आया नहीं, इतनी देर कहाँ लगा दी? टीशर्ट वॉश कर दिए, उसके जो स्टेन्स दाग धब्बे थे वो सब जा चुके हैं। थैंक यू सो मच, टीशर्ट बाहर सूख रही है। थैंक यू सो मच, क्योंकि यार मेरे को कल ऑफिस पहन के जानी थी, एंड आई वाज रियली वरीड एट दैट टाइम। थैंक यू सो मच, इट्स ओके, कोई नहीं, आओ बैठो, देखते हैं। यार आसपास कोई पार्क वार्क है क्या? हाँ पास में एक पार्क है। कितनी दूर होगा? 5 मिनट। तो चले उधर यार, बहुत पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा खा लिया आज।
हाँ चलो चलते हैं ना। चलो अच्छा और कोई लड़की वड़की है क्या कोई टच में? क्या चलो राजू पार्क चलते हैं। चलो अक्षय क्या हुआ तुम्हें? अक्षय ध्यान से क्या हो गया तुम्हें? अक्षय तुम ड्रंक हो? ती बदबू आई है ड्रिंक की। पिकअप अक्षय। अक्षय अक्षय